नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों। ब्यावरा नगर में कहीं कोई असर दिखाई नहीं दिया, जबकि सुबह से ही कांग्रेस विधायक श्री रामचंद्र दांगी खुद ब्यावरा नगर को बंद कराने के लिए नगर में घूम घूम कर लोगों को बंद की अपील करते नजर आए। इसके बाद भी नागरिकों और व्यापारियों द्वारा बंद को समर्थन नहीं दिया गया। कुछ जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं और व्यापारियों में विवाद की स्थिति भी निर्मित होने लगी, जिसको लेकर प्रशासन ने समय रहते मौके पर ही संभाल लिया। कई जगह बात करने पर कई किसानों ने कहा कि हमें मालूम ही नहीं है कि आज ब्यावरा बंद क्यों किया जा रहा है। आपको बता दें कि बंद को किसानों के सबसे बड़े संगठन भारतीय किसान संघ ने समर्थन नहीं दिया था, जिसका असर भी कहीं ना कहीं बंद पर पड़ा है। गरीबों की दुकान लूट के बैठे गए, घूम रहे हो। बोल रहा हूँ, और क्या कर रहा तू? क्या कर रहा? बोल रहा हूँ, इसे भरोसे मत करना। तुम जैसा गुंडों ने इसको बदनाम कर रखा, इधर ये 15-7 में जीत जाता। ये बीजेपी का हूँ, संघ का केरे होगा साहब। हारता नहीं तो गुंडों के साथ तेरे जैसे गुंडों के कारण हारा। हमारे साथ में ब्यावरा में हम खड़े हैं भारतीय किसान संघ के संभागीय अध्यक्ष श्री कुमार सिंह जी चौहान। आप ब्यावरा में ही निवास करते हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जो आज किसानों का भारत बंद था, उसको लेकर के उनके क्या विचार हैं, उनका क्या कहना है? सर, सबसे पहले तो आपसे ये है कि आज जो ब्यावरा में किसानों का बंद था, भारत बंद था, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारतीय किसान संघ भारत बंद का भारतीय किसान संघ शांतिपूर्वक पूर्ण ढंग से सरकार तक अपनी मांग पहुंचाता है। सभी जगह भारतीय किसान संघ ने ज्ञापन दिया, 418 जिलों में ज्ञापन दिया, ब्लॉक स्तर पर ज्ञापन दिया, और जो सरकार ने जो कृषि बिल केंद्र सरकार लाई उसमें संशोधन की बात हमने की। जो आज यूनियन के लोग कह रहे हैं, भारतीय किसान संघ ने सबसे पहले इस चीज़ को रखा है। और भारतीय किसान यूनियन का भारत बंद के आह्वान पर मैं ब्यावरा में खड़ा हूँ, और ब्यावरा में इसका बिल्कुल असर, क्योंकि आज ये आंदोलन किसान का नहीं होते हुए एक राजनीतिक पार्टियों पर पहुँच गया है, और ये किसान हित के लिए एकदम गलत है। मैं इसको गलत मानता हूँ। सर, भारतीय किसान संघ के संभागीय अध्यक्ष हैं आप, तो भारतीय किसान संघ ने इसको समर्थन नहीं दिया भारत बंद को, क्या कारण है? समर्थन नहीं देने के पीछे क्या कारण है? समर्थन भारतीय किसान संघ ने समर्थन नहीं देने के कारण सरकार तक अपनी बात पहले पहुंचाई। MSP को प्राइवेट सेक्टर में APMC में लागू किया जाए, ये मेन मांग थी। ये हमने पहले भी सरकार के पास दी है। प्राइवेट सेक्टर को इसको निजी कंपनियों को नहीं सौंपा जाए, ये भी हमने सरकार के साथ बात पहुंचाई है, और सरकार इसमें सहमत है। आज कृषि बिल को लेकर राजनीतिक पार्टियाँ अपनी किसानों के साथ जनभावना को खिलवाड़ कर अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेक रही है। इसके लिए भारतीय किसान संघ इसके एकदम विकृत है, और भारतीय किसान संघ ऐसा बता रहे हैं कि किसानों के लिए काला कानून है, तो किसानों की मंडियों में माल नहीं बेच पाएंगे। दूसरा ये है कि समर्थन मूल्य जो खरीदी हो रही है वो बंद हो जाएगी, क्या ये सही है? किसानों के बीच एक भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है, किसानों को असलियत जो सही जानकारी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। आज से 70 साल देश आज़ाद हुए हैं, आज तक किसी भी सरकार ने केवल APMC के तहत ही किसान का माल बेचना उचित समझा, जिसमें बिचौलिए भारतीय उसने किसानों की कमर तोड़ी। ये पहली सरकार है मोदी सरकार जिसने किसानों के साथ खड़ा होकर उसने किसानों का माल का अंतर्राज्यीय बेचने का एक प्रावधान रखा है, जिससे किसान सशक्त हो सके, उसकी आय दुगनी हो सके। ये पहली सरकार है जिसने ये सोचा है। जो भारत में किसान को भरमा रहे हैं वो असली किसान नहीं है, वो राजनीतिक के
वो उसमें घुसे हैं और मैं किसान संघ की ओर से उनका भरपूर विरोध करता हूँ और भारत बंद का भी हमने कल भी खंडन किया था और आज भी खंडन किया था। आज ब्यावरा है क्या? आज भारत बंद का उसमें असर देखने को मिला है, कोई असर नहीं है। कुछ लोग के लिए भारत बंद के लिए खड़े कर रहे थे, लेकिन जिनको जानकारी नहीं किस तरह से बात कर रही थी, हमें ये मालूम नहीं है कि धरने का ही उठा रहे हैं। बस आई रो आई रो। हाँ काय से हम काय जाएंगे। ब्यावरा से समय जगत के लिए शिव सिंह परमार की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।